जय माता रामलला मंदिर ब्रह्मचारी कुटी गाजनपुर दुवरिया भाले सुल्तानी क्षेत्र में आता है। मुसाफिर खाना तहसील है। जनपद अमेठी है, गौरीगंज है, गौरीगंज के सन्निकट का यह स्थान है। वहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर स्वामी राघवानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, श्री स्वामी ब्रह्मान सरस्वती जी महाराज के प्रपात शिष्य थे, वहाँ निवास करते। उन्होंने अपने जीवन काल में ही उस मठ का उत्तराधिकारी हर्षित पांडे उर्फ हर्षितानंद बना दिया था। जिसमें उनकी उम्र बात 5 वर्ष थी, बरासी ने मुझसे मंत्रणा करके उनको उत्तराधिकारी बनाया था। हर्षित पांडे महाराज जी के परिवार के, महाराज जी के छोटे भाई के बेटे के लड़के हैं, जिन्होंने महाराज ने जिनको उत्तराधिकारी बनाया था। तब से लेकर के आज तक उस मठ की देखरेख रानी पांडे, जो हर्षित हर्षितानंद जी की माँ है, लगभग 28-27 अवस्था है उनकी। गाजनपुर दुवरिया से सन्निकट में ही दूर में उनका नजदीक गाँव है, उनके माता पिता है, उनके नाना नानी हर्षित के। वो लोग अपनी बेटी के साथ ब्रह्मचारी कुटी में रामलला मंदिर में रहकर के लोग आश्रम की देखरेख करते हैं। आए दिन वहाँ उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न इस तरह है कि गेहूँ उठा ले जाओ, चावल उठा ले जाओ, सामान उठा ले जाओ। मुझे तो आज जानकारी हुई कि जब स्वामी जी की मृत्यु हुई तो वहाँ जो स्वामी जी के मरने पर जो पैसा भी स्वामी जी के शरीर पर चढ़ा था उसको भी लोग, अपराधी लोगों ने वसूल लिया, उठा लिया। लेकिन मुंह खोलोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, दरखास्त दे दोगे तो मार डालेंगे, विरोध करोगे तो कहाँ रहोगे, किस रास्ते से आओगे, किस रास्ते से जाओगे। रानी पांडे का एक बेटा है, किस रास्ते से आएगा। ये तमाम तरीके की बातें जो अब लोग बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं अगर मेरा नाम बता देंगे महाराज तो हमें लोग मार डाले। आसपास के गांव के लोग जो है भयभीत है, गाजनपुर दुवरिया के लोग भी मुंह नहीं खोलना चाहते। सभी लोग अन्याय के सामने नतमस्तक है। प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं आश्चर्य होता है मुझे। मैंने निवेदन किया जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, और अब तक रामलला मंदिर ब्रह्मचारी कुटी गाजनपुर दुवरिया में सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। और आज मुझे सूचना मिली है कि अब जो छोटी छोटी दो अनाथ बेटियां जो रोड के किनारे फेंक दी गई थी जंगल में, जिनका पालन पोषण रानी पांडे कर रही हैं, वो दोनों बेटियां भोजन नहीं, डर के मारे कि हमको और मेरी माँ को मेरे भाई को लोग मार डालेंगे। अब सारे लोग कह रहे हैं कि हमें यहां से लेके चलो। मुझे सूचना मिली है कि लोग आश्रम छोड़ जाना चाहते, अब भगवान की पूजा कौन करेगा, भगवान की आरती कौन करेगा, एक पाप कहा जाएगा। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, रोकी अनर्थ होने से, भगवान की पूजा बंद हो जाएगी, पाठ बंद हो जाएगा, और अगर छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो गई तो कलंकित क्षेत्र हो जाएगा। एक महिला की हत्या करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। महिला ने क्या किया है, रानी पांडे ने मुझसे कामरा की संपत्ति रामलला की है, न तो मैं खेत बेच सकती हूँ और न अपना चरित्र बेच सकती हूँ, न अपने शरीर बेच सकती हूँ। कहाँ से पैसा ले आओ, कहाँ से लाके पैसा ले अपराधियों को दो, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, मांस खाने के लिए, कहाँ से पैसा थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब ये मुझे जानकारी हुई स्वामी राघवन महाराज जब जीवित थे तो अपराधियों ने आश्रम में एक लड़की पर हमला किया, उस पर प्रहार किया, असलाह लेकर के स्वामी जी के बिस्तर पर लोग बैठ गए। उसके बाद महाराज कई दिनों तक कुछ खाए पिए नहीं, बीमार हुए और महाराज जी की मृत्यु हो गई। ये सब जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बचा लीजिए इन अनाथ बेटियों के प्राण को, बचा लीजिए 12 साल की उस बच्चे की जान को। अगर अपराधियों ने कहीं वारदात कर दी तो 3-5 साल की बेटियां मार दी जाएंगी, 27 साल की एक संत की मां मार दी जाएगी, 12 साल का श्रीमान मार दिया जाएगा, रामलला मंदिर का उत्तराधिकारी मार दिया जाएगा, ब्रह्मचारी कुटी का श्रीमान मार दिया जाएगा। मैं अत्यंत व्यथित मन से कह रहा हूं। और अब मैं उसके बाद गाजनपुर दुवरिया जाने का कार्यक्रम बनाऊंगा। आप लोगों से चाहूंगे आप लोग मेरे साथ चले, प्रशासन के लोग चले, चल करके पीड़ित परिवार को समझाएं, बुझाएं, उन्हें रोकें, उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था करें,
और मुझे तो आज जानकारी हुई कि जहां वो बेटियां रहती हैं उनके रहने की जगह भी नहीं है। ऊपर केवल दो दीवार है, टीन सेट है, दरवाजे तक नहीं है। डर के मारे लोग नीचे उतरते नहीं, बीमार डाले। सरकार के पास सब कुछ है, आप पट मंदिरों की सरकार व्यवस्था कर रही है, इस पर विचार करिए। देखिए गाजलपुर द्वोरिया पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में ही है, और वहां ये दुर्दशा हो रही, जिसको सोच के समझ के सुन के मेरा तो मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। इसलिए सबसे निवेदन है, जगिए, बचाइए स्कूटी, जिसके लिए शंकराचार्य जी के शिष्य स्वामी राघवन महाराज जी ने काशी छोड़ा, उत्तराखंड छोड़ा, अगर क्या नहीं धर्म जगाने के लिए, आज उनके ना रहने की स्थिति है। और उनके रहने पर भी सब होता रहा, मुझे आश्चर्य है। और विवाद का कारण जानते क्या है? वहां भगवान की जो मूर्ति है वो मंदिर टूट गया है, मंदिर का पत्थर गिरने वाला था। रानी पांडे ने प्रयास किया मंदिर टूट जाएगा, एक आम का पेड़ था, आधा सूखा था, आधा शायद गीला है। उन ठेकेदार से कहा पैसा ले लो भैया, हमको दे दो, मंदिर की मूर्ति टूट जाएगी, उस पर कुछ मिस्त्री कह रहे हैं कुछ सीमेंट सरिया डाल दे। इतना भी विवाद का कारण था। उन्होंने झूले पेड़ को बेच दिया। अपराधियों ने कहा पैसा किसी भी तुम कौन होती हो, भगवान की मूर्ति टूट जाएगी, मंदिर टूट जाएगा, या तो जो पैसा हो गेहूं का, चावल का, धान का, किसान का, मंदिर का, पेड़ का, सब पैसा अपराधियों को देते रहे। वो जो दुखद सोच रहा है, रामलला मंदिर, ब्रह्मचारी कुटी, गाजनपुर द्वोरिया, भारत सुल्तानी क्षेत्र, मुसाफिर खाना, गौरीगंज जनपद अमेठी और उत्तर प्रदेश, जहाँ भी पूज्य संत स्वामी राघवन सरस्वती जी महाराज, स्वामी राघवन महाराज जी द्वारा उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे वाले श्रीमान हर्षित पांडे, संन्यास का नाम हर्षितानंद, जो लगभग 12 वर्ष के हैं, उनकी माँ और उनके नाना नानी, तथा वहाँ जंगलों में पड़ी हुई दो अबोध लड़कियाँ जिनका पालन पोषण आश्रम में हो रहा है, जो एक 3 साल की है, 5 साल की है। इतने लोग इतने भयभीत हैं कि आश्रम छोड़ने के लिए, कई लोगों ने नाम ना बताने पर कहा कि महाराज इतना आतंक है तो अभी बोल नहीं सकता, जो बोले उसकी हत्या हो जाएगी। परिस्थिति ये हो गई कि रानी पांडे किधर से आएंगे, किधर से जाएंगे, उनके बच्चे किधर से जाएंगे, उनके माता पिता किधर से जाएंगे, किसी भी समय कोई वारदात हो सकती है। प्रशासन उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। अंतिम स्थिति यह है कि रानी पांडे अपने बच्चों के साथ सुबह को छोड़ना चाहती है, तो बहुत दुखद है। मैं जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, एक मठ वीरान हो जा रहा है, आतंकवादियों के आतंक से स्थिति पैदा हो जाए कि लोग रह ना पाएगा। मतलब कानून का डंडा कहाँ चला गया है, चलना चाहिए। भगवान की आरती पूजा नहीं बंद होनी चाहिए, और 12 साल के श्रीमान की हत्या ना हो, उनकी माँ की हत्या ना हो, दो अभी बेटियों की हत्या ना हो, बूढ़े बुजुर्ग की हत्या ना हो। मैं आपसे मांग करता हूँ, शीघ्र ही मैं द्वोरिया गाजनपुर द्वोरिया जाने वाला हूँ, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और वहाँ व्यवस्था कराएं। जैसे वो लोग पलायन करते हैं, इसकी जिम्मेदारी अपराधी होंगे तथा जिला प्रशासन होंगे, शासन पर भी उंगली उठाएंगे।